हेलो जी, राम राम जी। ज्योति लोगर की राम राम। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ। तो मेरा जो है सिलेंडर ख़त्म हो गया, आप लोग देख सकते हो पीछे नहीं है। तो मैं जा रही हूँ सिलेंडर भरवाने के लिए, और मुझे जाना पड़ेगा पास के कस्बे में ही, और मैं कपड़े जो है वो चेंज नहीं करूँगी, बस चल रही यही वाला सूट पहन कर निकल जाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे ऑटो में बैठने के बाद। मतलब मैंने सोचा था कि यही वाला सूट पहन कर चली जाऊँगी और बस, क्योंकि बाहर जो है ना ऑटो आ गई थी और उसमें सिलेंडर भी रख लिया था, तो मैंने एक बार को तो यही सोचा था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे नहीं, घर का पहनने का सूट है, चेंज कर लेती हूँ, ज़रा सी देर लगेगी, 10 मिनट लगेगी, चेंज कर लिया मैंने। और मुझे सुबह सुबह इसलिए जाना पड़ा क्योंकि सिलेंडर ख़त्म हो गया और चाय की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। मतलब एक टाइम की तो हमने बना ली चाची जी के यहाँ पर, फिर दूसरे टाइम कहाँ बनाते, क्या करते, और खाना भी बनाना था। आप लोग समझ सकते हो सिलेंडर के बिना एक दिन में ही बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। चूल्हा तो हमारा बेटा हमें जलाने नहीं देता, पता नहीं कब से नहीं जलाया। और फिर हम लोग जो है ना, आपने अभी देखा होगा ऑटो में रखा हुआ है सिलेंडर। मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ पर गैस एजेंसी पर, और यहाँ पर मैं पहले बाहर की थोड़ी सी वीडियो बना रही थी, सोचा कि आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो वैसे तो गाँव में घर घर गाड़ी आती है, पर सिस्टम थोड़ा ये हो रहा था कि गाड़ी जो है कल आ चुकी थी, सिलेंडर मेरा जो है रात में ख़त्म हुआ। मतलब जिस दिन दिन में आई थी उसी दिन रात में ख़त्म हुआ। और फिर जो बोल दिया उन्होंने भैया ने कि अभी शनिवार से पहले नहीं आएंगे, तो मुझे बहुत समस्या हो रही थी। गैस तो देखे ज़रूरी चाहता, फिर खाना पीना बनाने की बहुत दिक्कत होने वाली थी। तो फिर मैं ऑटो में सिलेंडर रख के यहाँ आ गई, और यहाँ से गैस एजेंसी से ही मैंने सिलेंडर ले लिया। तो मैं यहाँ इनसे भैया से बात करी थी कि कितने का है, तो वो बता रहे थे कि जो आप ब्लैक से लोगे तो 900 के आसपास का पड़ेगा, और जो आप लोगे बुक से तो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा आपको। तो मैं कह रही थी कि भैया मेरे पास बुक तो नहीं है, आपको जैसे ठीक लगा भाई ब्लैक से ही दे दो। उनका 40 रुपये 50 रुपये का अंतर रहेगा। फिर मैं क्या करती, मेरे पास किताब नहीं थी। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे भी होगा। तो यहाँ पर हम अभी ऑटो में बैठ के ना अंदर की साइड जा रहे थे जहाँ इसकी गैस की एजेंसी है, और अभी हम लोग जो ना यहाँ पहुँच चुके हैं। मतलब इसी में यहीं पर गली में अंदर को मिलते हैं सिलेंडर, इस घर से भी रखे हुए हैं। तो यहाँ पर ये ऑटो लगवाई, और फिर अभी मैं खाली सिलेंडर जो है इसका अंदर रखने जा रही थी खाली। तो मैंने यहाँ पर, वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ, उन्होंने बोला कि इस साइड रख दो। तो बस यहाँ पर बैठी हुई अब नहीं बना रही थी मेरी वीडियो, और यहाँ से मैं सिलेंडर उठाऊँगी। तो देखिए भारी है काफ़ी, और मतलब ऊपर रखा हुआ था। मैंने सोचा कि कभी चोट फैंट लग जाए, तो ये भैया बोले ऑटो वाले भैया कि चलो मैं रखवा देता हूँ। तो एक साइड से उन भैया ने पकड़ लिया और एक साइड से मैंने पकड़ लिया। तो हम दोनों जन मैं जो अभी मार्केट से आ चुकी हूँ, मेरी हालत देख सकते हो आप लोग कैसी हो गई है। मतलब पूरे घर में ना बहुत बुरा हाल हो रहा है। मतलब मैं कुछ भी काम नहीं करके गई थी, बिस्तरे वगैरह कुछ नहीं उठा, बस कपड़े निकाल के ऐसे डाल दिए। इधर देखिए पूरे घर की, मतलब इधर देखिए पूरे घर की हालत जो है ख़राब हो रही है। बाहर दिखा दो, किचन की भी हालत ख़राब है। सिलेंडर खत्म हो गया था, सिलेंडर लेने के लिए गई थी, तो बस अभी आई हूँ। वहाँ बहुत चक्कर काटने पड़े, बहुत दिक्कत हुई। तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, मतलब ऐसा हुआ मेरा जो एटीएम है ना वो नहीं चल रहा था, उसमें कोई दिक्कत हो गई। और फिर मैं बैंक में गई, उन्होंने बोला कि इसको जमा कर दो और एक फॉर्म भर दो, दोबारा 2 दिन बाद दूसरा आ जाएगा। और मतलब मैं पैसे एटीएम से निकाल देती थी, बहुत दिक्कत हुई। उसके बाद भी मतलब उन्होंने दिए गए, मैं उनको बोला ही मुझे कि शाम को मैं पैसे भिजवा दूँगी। और यह रहा सिलेंडर, मतलब मैं ऑटो वाले भैया को बोल देता कि आप जाओ भैया सिलेंडर घर पे रख देना, और मैं थोड़ी देर बाद आ रही हूँ, मतलब देखती हूँ इतना पैसों का कुछ करती हूँ। तो कुछ भी अरेंजमेंट नहीं होने पाया। फिर मैं बहुत दुखी होगी, मतलब बैंक में काफ़ी देर लोग खड़े थे, फार्म भरा, एटीएम जमा करा, फिर वहाँ अगर कम से कम आधा घंटा उनके आने में था, वहाँ वेट करा, फिर गई आई। अब बज रहा है एक, अब 1 बजे मैं आई थी लंबी, मतलब पूरा जो है कस्बा पार करके भोपा पार करके आगे जाना पड़ा, फिर आना जाना, मतलब इतनी परेशानी हुई दोनों बच्चों को लेकर बहुत सारी। और अभी मैं पहुँच चुकी हूँ, और ये सिलेंडर लाई, इसको मैं अभी लगाऊंगी, और घर का सारा जो है ढंग वो सुधारेंगे। बहुत बुरी हालत हो रही है घर की, तो सोचा कि आप लोगों को बता देते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। आप लोगों से बात करने के बाद मैं अभी मैं यहाँ लगा लेती हूँ सिलेंडर। और अब नहीं बोल रही है कि मम्मी मुझे लगी है भूख, तो मैंने कहा बेटा चलो ठीक है, खाने का इंतज़ाम करते हैं, फिर घर की साफ़ सफाई करते हैं, क्योंकि पूरे घर की जो है हालत ख़राब हो रखी है। तो सबसे पहले मैंने इसको खोल लिया, और अभी मैं लगा रही हूँ सिलेंडर रेगुलेटर लगा रही हूँ। मतलब स्लिप के नीचे को ही सिर देकर लगाना पड़ रहा था, काफ़ी नीचे ही जाना पड़ा बिल्कुल, उसका अच्छे से सेट करी थी मैं सिलेंडर लगाने के बाद। खाना बनाने के बाद मैं आ चुकी हूँ रूम में, और कुछ कपड़े जो है मैंने मतलब परसों धुले थे,
और फिर उनकी जो है आज तय बनाई, क्योंकि सुबह सुबह तो मैं वहाँ चली गई थी। फिर वहाँ से आने के बाद अभी सेफ में कुछ कपड़े इधर उधर हो रहे थे। अम्मी जब कपड़े निकालती है ना अपने, तो सारे उलट पुलट कर देती है, उसको इतना नहीं पता है, छोटी है। तो मैं उन कपड़ों को सेट कर रही थी और थोड़े से अपने भी लगा रही थी, कुछ कायरों के देख रही थी। तो यहाँ पर खड़ा हुआ था कायरों और अवनी इसको छेड़ रही थी। ये मतलब मेरे आसपास ही रहता है जब भी मैं कुछ करती हूँ। तो यहाँ पर रखे हुए हैं ये कपड़े जिनकी मैंने तय बनाई थी। तो कायरों के कपड़ों में, अवनी के और मेरे मेरे कपड़ों में, मतलब ये मुझे लगाने हैं। देखिए ये भी एक काम होता है, मतलब घर में जने कितने काम होते हैं जिनकी गिनती नहीं होती, यही चलता रहता है। तो उसके कपड़े तो मैं इस कंडीशन में यहीं लगा कर रखती हूँ, उसके पजामे एक साइड लगा लेती हूँ, बनियान एक साइड। तो मैं देख रही थी कि उनको कपड़ों की एक दो कपड़ों की तय बिगड़ रही थी, क्योंकि ये बच्चे हैं ना कुछ खींचाता नहीं। अगर मैं अपनी को पजामे लेने भेजूँ तो सारे कपड़े उलट पुलट कर देती है, और फिर यूँ गंदे लगते हैं, लगा कर रखने पड़ते हैं। तो अभी फटाफट से मैं ही कपड़े लगा देती हूँ। और मतलब मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस सी हो रही है, मन नहीं कर रहा है काम करने को। पर पूरे रूम की मैंने आप लोगों को दिखाई, बहुत हालत ख़राब है, अभी लग के करना ही पड़ेगा। और कायरों भी जाग रहा है, वो हमारे साथ साथ ही खेल रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि वो खेल रहा है, इतने में फटाफट से ये कपड़े लगाने का और जो एक दो काम है वो निपटा लेती हूँ। तो चलिए कपड़े लगा लेते हैं। अभी जो है उसके बाद आप लोग देख सकते हो मैं अपने काम में लगी हुई थी। मतलब सेफ में तो कपड़े मैंने लगा दिए थे, अलमारी में भी अभी मतलब मेरे को सामान सिंगवाने थे, वो सब भी ऐसे ही पड़ा हुआ था। और यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं ड्रेसिंग में पीछे सामान लगा रही हूँ। और यहाँ पर ये जो है हमारा जो पुत्र जी है, वो दवाइयों की थैली थी, मतलब ये एक्स्ट्रा दवाई है जो मतलब जिनकी डेट एक्सपायर हो चुकी है, मैंने एक पन्नी में रख दी थी। इनको मैं बाहर रख दूंगी और कूड़े में, वैसे कूड़े में नहीं डालेंगे कहीं, मतलब फेंक देंगे दूर कहीं, यहाँ पर तो मतलब कूड़े में नहीं कहीं भी डालने वाले हम लोग इन्हें। तो अभी जो है ये वो पन्नी ले रहा था, तो मतलब इसको मतलब कुछ ना कुछ चाहिए, तो इस पन्नी को लेकर मंड रहा था। और मैं फटाफट से अपना सामान सिंगवाने में लगी थी, मैं सोची थी कि इतने कायरों खेल रहा है, इतना मैं अपना काम सिंगवा लेती हूँ। इसमें है अपनी कि सूट सलवार जो मैं बना रही थी, और अभी मैंने नहीं बनाए हुए, बीच में रख दिए हैं, क्योंकि मेरी फुर्सत नहीं हो रही। कई दिन से मुझे काम ज़्यादा हो रहा है और बाजार के कई दिन से बराबर चक्कर लग रहे हैं। परसों मैं गई थी, परसों को तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, बैंक में मुझे कुछ काम था। और कल मतलब आज मैं गई थी सिलेंडर लेने के लिए, तो दो दिन से तो बराबर बाजार जाना पड़ रहा है। वो बैंक में मुझे कुछ काम ऐसा पड़ गया, एकदम ही जाना पड़ा, और फिर आज सिलेंडर ख़त्म हो गया। तो कुछ चीज़ें हो जाती है कभी कभी, एकदम ही आदमी को अचानक ही पता नहीं कहाँ चलना पड़ जाए। और सुबह सुबह मैं सिलेंडर लेने के लिए निकल गई आज बहुत सुबह सुबह, तो हो जाता है ना कभी कभी ऐसा। और मतलब मैं कुछ भी काम नहीं करने पाई, सबसे पहले मैं सिलेंडर लेने के लिए निकल गई, और दोनों बच्चे जो हैं वो मेरे साथ ही गए थे, आप लोगों ने देखा। और यहाँ पर मैंने फिर अभी आकर कम्बल उठाया है, चादर भी देखी कैसी हो रही है, कपड़े लत्ते उठाऊँगी, अलमारी फ्रिज वगैरह ड्रेसिंग सब साफ करना है। मतलब घर की जो है ना बहुत बुरी हालत हो रही है, और मैं बस सही में चली तो गई थी, पर मुझे दिख रहा था कि जब मैं आऊँगी तो मेरा काम कैसे निपटेगा। मतलब मैं थक तो ऑलरेडी वहीं चुकी थी बाज़ार में बहुत, और घर का भी तो काम देखना था मेरे को। तो ये मेरे कपड़े थे, वो मैंने इधर रखे हैं संदूक पर, अभी उनको बाहर रख दूँगी मैं। अब जब मेरी है ना करीबन एक हफ्ते से मशीन जो है कपड़े धोने की, वो ख़राब हो गई है, धो नहीं रहे, उसमें सुखाने की तो पहले दिक्कत कर रही थी, अब धोने वाली भी नहीं चल रही, तो हाथ से ही धोने पड़ रहे हैं मेरे को कपड़े। जब भी मेरा टाइम लगता है तभी मैं धो देती हूँ। तो अभी मैं अपनी चुन्नी भी उस साइड रखूँगी, और यहाँ पर बेड शीट को भी सही तरह से मैं बिछा दूँगी, इसको अच्छे से झाड़ के, और मैं इसको उल्टी बिछाऊँगी अब, या फिर एक दो दिन के बाद मैं इसको उतार दूँगी, दूसरे वाली बेड शीट मैं डाल दूँगी। एक बेड शीट को दो तीन दिन तो आराम से चल जाती है। तो इस पर पता नहीं क्या क्या गिर रखा था बच्चों ने, वो उठाया सब, और अब नहीं लेटी हुई थी, तो मैं उसको बोल रही थी कि बेटा उठ जा, तो बोली मम्मी मेरी तबीयत जो है वो ख़राब हो रही है, मतलब मुझसे उठा नहीं जा रहा, तबीयत सी डाउन हो रही है, मुझे लेटना है। मैंने कहा बेटा दो चार मिनट रुक जाओ, मैं एक बार बेड को मतलब अच्छे से, मतलब कुछ था तो इस पर नहीं, बिल्कुल साफ था, मतलब ऐसा कुछ नहीं पड़ा था। और फिर भी मैंने थोड़ा सा उसको ही वो करके उसको इस पर मार सी के, और ये चादर मैंने डाल दी। ये बेड शीट जो है ना नहीं आती, इस पर छोटी है, पर फिलहाल तो हम बिछा लेते हैं इसको।
वही मैंने इसको है ना बेड पर बिछा रही थी और अपनी को लेटना था, तो मैंने कहा बेटा 2 मिनट रुक जाओ, अभी लेट चाहिए आप। बच्ची है, जब हम लोग बड़े लोग थक जाते हैं तो बच्चा है तो वो क्यों नहीं थकेगी। तुम तो उसको कहते बेटा जाओ ऊपर जाओ बैठ के, एक तो बेड शीट सही करो वहाँ से और फिर उसके बाद आप लेट जाना। अभी जो है उसके बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ फ्रिज साफ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ड्रेसिंग साफ कर दिया और अलमारी रह रही है, तो फिर मैं कर रही थी फ्रिज साफ। तो फ्रिज भी है ना बहुत गंदा हो रहा, कई दिन हो गए मतलब मेरे पे फ्रिज साफ़ करने का टाइम नहीं मिला, तो मैं फ्रिज के जो खाने हैं जो ज़्यादा गंदे हो रहे वो निकाल लूँगी और जो मतलब ज़्यादा गंदे नहीं है उनको पहुँच दूँगी। उसके बाद फिर मैं फ्रिज साफ़ करने के बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ अलमारी साफ। तो ये पेंटिंग वगैरह जो मैं हटा के इनको अच्छे से साफ़ करती हूँ और इसको भी अच्छे से झाड़ दूँगी मैं, इस वाली पेंटिंग को। तो यहाँ पर नीचे है ना कायरा हुआ है, वो मेरे को खड़े नहीं होने दे रहा था, मैं कुर्सी पर खड़ी थी तो बार बार मेरे को उतार रहा था, छोड़ो छोड़ो वो नहीं किसी को बैठने देता मतलब इस चेयर पर। ए मैं उतर ही गई, फिर मैंने कहा कि ले बाबू आप ही खेल लो, देखो मेरे उतरते ही गल कुर्सी पे चढ़ गया और मैंने ये पेंटिंग उतार ली थी। मैं इसको झाड़ रही थी, इस पेंटिंग का ना एक साइड का एक कुंदा टूट गया, ऐसे में उस पेंटिंग का ना अपने दरवाजे की साइड अंदर की साइड लगाना चाहती थी, बारिश का जो एक कुंदा टूटने की वजह से लग नहीं पा रही है या फिर सामने ऊपर दीवार पर, फिर मैं क्या करूँ। फिलहाल मैंने यहीं पर रख रखी है, तो मतलब अभी जो है ऊपर की जो सबसे ऊपर वाला वो अलमारी का हिस्सा वो कंप्लीट हो गया और ये बीच के तीनों नीचे के खाने रह गए इनको भी साफ़ करूँगा मैं। उससे पहले मैं यहाँ सफाई करते करते फ्रिज पर मैं हल्का सा कपड़ा लगाने लगी थी ऊपर की साइड, मतलब मुझे लगा कि कहीं मतलब एक बार तो मैंने पूरा साफ़ कर दिया था ऊपर से भी, पर लगा कि कहीं धूल मिट्टी ना लग रही हो। फिर उसके बाद अभी मैं कर लेती हूँ अलमारी साफ़ और ये अलमारी का जो सामान है वो सेट कर देती हूँ। तो मतलब आप लोग देख ही सकते हो कहीं चले जाते हैं तो पूरे घर की जो है हालत ख़राब हो जाती है और फिर सब सिंगवाना होता है। अभी इसको लगाकर साथ साथ ही सिंगवा रहे हैं, जब तक खेल रहा है तब तक तो चलेगा, जब रोने लगेगा तब देखी जाएगी। तो फटाफट से सामान लगा लेती हूँ मैं अलमारी का। बोतल उठा लो, मैं से लेके स्कूल में जाऊंगा। ये बोतल रूम का काम कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी बाहर यहाँ किचन में और यहाँ पर ये मैंने
इसके इन्वर्टर के ऊपर एक तख्ता रखा हुआ है, जो रस्सी पन्नी थी मतलब जो मैंने सिलेक पर बिछा रखी थी ये रख रखी है। मैं यहाँ पर है ना चाय पत्ती का, घी का डब्बा या कोई एक दो छोटा मोटा सामान वो रख देती हूँ, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पर डाल रखा है। ये तख्ता मैंने इसलिए रखा कि डब्बे डुब्बे रख देती हूँ इन्वर्टर के ऊपर रख रखा है, तो मैं एक एक सामान जो है ना ये पहुँच के यहाँ पर लगा दूँगी। मसालेदानी में कभी यहाँ रख लेती हूँ तो कभी जाली में रख देती हूँ, क्योंकि मसालों की ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट किया कि दीदी आपकी जो है बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती वॉइस ओवर में, बहुत कम आवाज़ आती है, थोड़ा तेज़ बोला करो। कुछ लोगों ने बोला कि फ़ोन चेंज कर लो, तो देखिए मेरी थोड़ी है ना आवाज़ ही कम आ रही है आप लोगों को। मेरे गले में मुंह में इन्फेक्शन सा हो रहा है, दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्यों अपना अभी सारा मुँह है अंदर से लाल लाल हो रहा है, बोलने में दिक्कत हो रही है और जड़ दंतों में भी इन्फेक्शन सा हो रहा है पूरे मुँह में। तो मुझे दवाई लेनी थी, तो मैंने सोचा कि चलो भी थोड़ा बहुत वैसे ही हो रहा है ठीक हो जाएगा, पर अभी जो है ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पा रही हूँ। तो छोटा सा वाइफर, चिमटा, ये कुंचे छोटे लकड़ी के, ये सब चीज़ें देख रही थी मैं। इसमें ये बड़ी सी कंडी है, इसमें रख रही थी, तो मैं देखती थी कौन कौन सा सामान मैं इसमें सेट करूँ। और छोटी छोटी चम्मच जो है, एक छोटी ही ऐसी चम्मच रखने की, उसमें रख दूँगी। ये ताला भी इसमें रखा हुआ था, कुछ लहसुन है, मतलब मैंने इसको झाड़ा, अच्छे से साफ करा है। एक कुकर का ढकना जो है ना, उसकी पीछे की वो टूट रही है, पीछे का कुंदा सा होता है वो टूट रहा है, उसको भी ठीक कराने का टाइम नहीं लगा मेरा। मतलब यही है, सारी चीज़ें टाइम के भी ऊपर है, मतलब जाती हूँ बाज़ार फिर याद नहीं रहा मेरे, उसको भी ठीक करा के लाऊँगी जब आपकी बार जाऊँगी। और ये देखिए छोटी सी कंडी में चम्मच रख दूँगी, चिमटा ये भी उठाना है, ये ढक्कन भी उठाना है, तो मैं उसको पोंछ रही थी, तो चिमटा जो है उसको मैं धो लूँगी, गंदा हो रहा है बहुत, अभी उसको साफ़ कर लेंगे। तो फिलहाल मैंने एक कुकर का जो ढकना है वो इसमें रख दिया, और एक कत्तर से भी मैं इसमें रख दूँगी। मुझे कत्तर बांधनी पड़ रही है, ढकना जो है टूट रहा है, बता रहे पीछे का कुंदा सा टूट रहा है। तो अब इसको मैंने अपने पूरे किचन को है ना क्लीन कर लेते हैं, और ये दाल वॉश करने की है तो इसको भी मैं यहीं रख दूँगी। तो अभी इस फटाफट हमारा किचन जो है साफ़ हो जाएगा, तो किचन जो है हमने साफ़ कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ चलती हूँ बराबर वालों के यहाँ पर, और यहाँ पर बाहर रोटी हुई थी अमनी की अम्मा, और मैं दरवाज़ा खोल ली थी, अमनी ही बना ली थी मेरी वीडियो। कायरव जो है सो रहा था, मुझे 5 मिनट का काम था, वो मेरे पीछे पीछे थी कि मम्मी बना देती हूँ आपकी बाहर की वीडियो, आप जहाँ जा रहे हो। मैंने कहा ठीक है बना दो बेटा। तो हम लोग जो है ना पहुँच चुके हैं अपने पास वालों के घर, मतलब यहाँ पर इनके यहाँ पर चक्की है, ये रही देखिए, ये लोग जो है ना हाड़े पीसते हैं, तो हमारा हाड़ा रखा हुआ, तो वो लेने के लिए आई थी। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, या वो ब्लॉग अभी आया नहीं है शायद, मेरे पक्का याद नहीं है, वो ब्लॉग आएगा आप लोगों को मिलेगा, तो उसमें मैं इसको पिसना धरका आई थी, और अभी मैं लेकर जा रही हूँ, आया नहीं है हाँ वो ब्लॉग, उससे पहले ये वाला आ गया, ये वाला डालना ज़रूरी था, तो वो आपको फिर आगे दिखेगा। तो मैं हाड़ा धर कर आई थी और ये मैं ले आई हूँ, और अभी मैं उसको है ना आटे को रिता देती हूँ। ये कैमरा हिल रहा है तो वही ले रही थी, इस वजह से हिल रहा है थोड़ा सा, प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा। और मैं यहाँ पर ना सारा किचन देखे क्लीन करके, सारे में झाड़ू लगा कर भीतर से बाहर तक सारा साफ करने के बाद मैं आटा लेने के लिए गई थी, और मैंने इसको थोड़ा सा दूर इसलिए रखा कि कम आटा उड़ेगा, ज़्यादा नहीं उड़ेगा। मतलब लाना तो मुझे पहले चाहिए था किचन साफ़ करने से पहले, पर मैं मतलब काम में इतनी व्यस्त थी कि मुझे कपड़े भी धोने थे, तो मुझे ये हो रहा था कि कपड़े धोऊं, बर्तन साफ़ करूं, झाड़ू पोछा करूं, क्या क्या करूं, चलो बाद में ले आऊँगी। मतलब एक मिनट भी किसी के घर जाने के लिए, अपने काम के लिए भी मेरे पास में टाइम नहीं था। पहले मुझे दिख रहा था कि मैं पहले जो ज़रूरी ज़रूरी काम है वो कर लेती हूँ, पहले ज़रूरी था कपड़े धोना, कपड़े जो है सुबह सभी को रखे थे, बर्तन साफ़ करना और रूम को साफ़ करना, वो ज़्यादा ज़रूरी हो रहा था। तो इस वजह से मैं ना और सबसे बाद में जाकर आटा लाई हूँ, तो ये आटे का जो कट्टा है ना उसको मैं गाय के आगे झाड़ दूँगी, या तो धोन की बाल्टी में झाड़ देते हैं या फिर गाय के आगे, इसमें थोड़ा बहुत जुआ लगा रह जाता है, मैं गाय के आगे झाड़ने के लिए इसे अभी जा रही हूँ। तो चलिए इसे गाय के आगे झाड़ देते। पहले कुछ कमेंट मुझे आए थे कि जब आपकी मम्मी जो है दूध नहीं देती तो फिर आप गाय का गोबर का झाड़ू का क्यों करते हो, तो देखिए जैसा कोई हमारे साथ करता है हम भी उसके साथ ऐसा करेंगे, तो हम में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा। तो बोलते हैं कि अगर कोई हमें गाली दे रहा है तो हम भी क्या उसे पलट के गाली देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। कोई बात नहीं, वन बोलता धन है, उसका अगर मैंने कुछ कर दिया, उसका पानी पिलाना, गोबर उठाना या कुछ भी मैंने कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए मेरा रूम जो है, मैंने सोचा कि रूम दिखा देती, पूरी तरह से क्लीन हो गया, पोछा लगा दिया, पूरा रूम आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया।
और हमारे सपुत्र जी ने ये नीचे अलमारी की अबरी पाट दी, ऊपर की भी पाट दी, मुझे हटके लगानी पड़ेगी। और वो सो चुका है, अब नियाँ लेटी है। ये कुछ कपड़े मैंने आप लोगों से बताया धुले थे, ये पहले धुले थे परसों, ये मेरे को रखे हैं, इनकी तय बनानी है। कुछ जो परसों थे वो तो सोचा कि 5 मिनट आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो जब से मैं वहाँ से आई हूँ भोपाल से, जब से अब, और अब जो है 3:15 बजे, मतलब शाम का समय हो रहा है, 3:15 बज गए हैं। मैं 12:30 बजे की आई हुई हूँ, 3:15 बज गए, अब तक मेरा काम निपटा है। अभी जो मैंने कार्यक्रम को सुवाया है वो सो रहा है। लेट कौन सी? कल वाली, परसों वाली। परसों क्या लाया? जलेबी। अच्छा, वो छोटी सी प्लेट? हाँ। देख बाहर टोकरे में रखी क्या इन बड़ी बड़ी प्लेटों के पीछे। तो जब से अब मेरा काम निपटा, मैं फ्री हुई हूँ, मतलब इतनी बुरी हालत होगी, जब से एक सांस लगी थी पूरे रूम के ना बहुत बुरी हालत हुई थी। पूरा रूम साफ करा, पोछा लगाया, और कपड़े तो बल्कि धुले नहीं, जो कल धोए थे वो उतार कर लाए। मतलब आप लोगों को भी रूम दिखाया, पूरी झाड़ा पूछी, बाहर किचन पूरा साफ करा, और चाय बनाई, और खाना हम लोगों ने नहीं खाया क्योंकि तो मतलब सारा दिन जो है ना वही निकल गया। 12:30 बजे आई थी, उसके बाद में फिर ये कायर जाग रहा था, बस इसको साथ में लगा के काम ही निपटा नहीं पाई। और हम लोगों ने वही कुछ खा लिया था थोड़ा बहुत, और बस अब है ना बहुत थकान सी हो रही है, मतलब गला जो है वो सूख सी रहा है, खुश्की सी आ रही है। बस अभी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बोलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। चलिए वीडियो एंड कर लेते हैं, आप लोगों से बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये कमेंट किया कि इसकी कोतली आई नहीं है, इसने अपने पास से दिखाई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे भैया आए थे मेरी कोतली लेकर, और वो जो है ना बहुत जल्दी में आए और जल्दी में ही चले गए, क्योंकि उनको कुछ काम था। तो मैंने कहा कि ठीक है आप है ना निकल जाओ, फिर आप देर आपको देर हो जाएगी। मैंने उनको चाय पानी भी नहीं पिलाया, मतलब कुछ भी, और फट दिन इसी मैंने उनको भेज दिया वापसी में कि आप जाओ, आपको लेट हो जाएगा। तो देखिए कभी कभी हो जाता है ऐसा कि हम लोग जो मतलब कहीं जाते हैं जल्दी में और वहाँ की वीडियो नहीं बना पाते, तो ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें पॉसिबल है। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि अपने पास से दिखा रही है, नहीं आई है इसकी कोतली। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी कोतली नहीं आई है, मैं अपने पास से क्यों दिखाऊँगी? क्या मुझे मतलब लोगों की बड़ाई कराना, भैया भाभी की, मम्मी पापा की बड़ाई, मैं झूठी बड़ाई क्यों कराऊँगी कि मुझे कुछ मिलने वाला है झूठी बड़ाई करा कर? तो मैं झूठी बड़ाई नहीं कराऊंगी बिना मतलब की बातों में, बिना मतलब की बातों पर मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ। तो मेरी मम्मी ने मेरी कोतली दी है, वो मम्मी को मान लो या भैया भाभी को मान लो, जैसे भी मान लो भाई, वो सब परिवार के एक ही सदस्य है जिसने भी दे दी, मतलब आई है मेरी कोतली। और ये बच्चों के कपड़े आए हैं, ये सब चीज़ें आई हैं, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखा दिया। तो मैं किसी का झूठा नाम, मैं किसी का नाम कराने के लिए क्यों झूठ बोलूँगी? अपनी जेब से पैसे लगा कर कोई चीज़ लाऊँगी, आपको दिखाऊंगी, उनका नाम कराऊंगी? तो ऐसा नहीं करूंगी। जो वो लोग मेरे लिए करते हैं वही मैं बताती हूँ। जब आप लोग मुझ पर इतना विश्वास करते हो कि मैं आपको, अभी पिछले ब्लॉग में मैंने बहुत कुछ बताया दिखाया, तो जब मैं आपको सच दिखा सकती हूँ तो सच बता भी सकती हूँ। सच बोलने से मैं कभी नहीं कतराती हूँ, और सच बोलने से आदमी को नहीं कतराना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी सच सामने आ ही जाता है। तो मतलब ये बोला कि प्रिया तो बहुत देने वाली है, तो मम्मी ने दी है मेरी, जो भी मेरी मम्मी से बना वो मेरा दे दिया मैंने। देखिए और बहुत सारे के लिए क्या चाहिए था, कितना है, 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, और भाई मैं हूँ, बस हम लोग ही तो हैं। मम्मी मतलब कुछ लोगों ने बोला कि भाई हम ही यही 5-4 गिने हुए आदमी हैं। अच्छा, और रही देने की बात, तो मैंने बोल दिया कि मुझे कुर्ती नहीं चाहिए, मैं खुद से खरीद लूँगी, बच्चों को उन्होंने खरीद के दे दी, मेरे पास थी तो जो वही कुर्ती के पैसे, या तो मैं कुर्ती ले लूँ या फिर मैं अपनी ज़रूरत की किसी चीज़ में लगा लूँ। आप लोगों ने मेरे को बोला कि, कुछ लोगों ने मेरे को बोला कि बहुत पैसा कमा रही है, वेस्ट कर रही है। वेस्ट नहीं कर रही, तो आप लोगों ने ही तो बोला कि वेस्ट मत करो, बचाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने लिए जोड़ो, अपना ये करो वो करो। तो वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं ज़रूरत में काम आ जाएंगे। अभी मेरे पास थे कपड़े तो मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैंने ही बोल दिया था। और मैंने बोला कि मीठे के लिए मम्मी ने पैसे दे दिए थे, सो मीठा अगर आप लोग चाहते हो तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। पर कुछ लोग बोलेंगे ये भी अपने पास से लाई है, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी का नाम कराने की, झूठ बोल के मैं नाम कराऊँ। जो चीज़ वो मेरे लिए करते हैं देते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। और निगेटिव कमेंट करने वालों को एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर आप किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलिए, इतना भी मत गिराइए उसे कि वो उठ ना पाए, इतना भी गिराना ठीक नहीं है। तो देखिए
हर माँ बाप, किसी के माँ बाप कैसे भी हों, अच्छे हों बुरे हों, सब अपनी औलाद के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। मेरे भी दो बच्चे हैं, चाहे कल वो मेरी सेवा करे या ना करे, पर मैं उनके लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, उन्हें सब चीज़ों की मैं मतलब अच्छा बुरा सब सिखाऊँ, बताऊँ दिखाऊँ हर समय। मतलब एक समय ऐसा होता है आदमी के पास पैसा होता है, एक समय ऐसा होता है पैसा नहीं होता है, तो हर चीज़ के तौर तरीके, रहन सहन, अमीरी गरीबी की हर छाँव उन पर पड़नी चाहिए। ये नहीं कि वो छाँव, वो बोलते हैं ना छाँव, कि आज धूप में बैठे, धूप में नहीं बैठा जा रहा मुझसे, नहीं बेटा धूप सहन करने की भी आदत डालो, कल समय का कोई पता नहीं। तो माँ बाप कभी भी मतलब अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहते। तो मेरे माँ बाप हैं, भैया भाभी है, कोई भी, चाहे कोई कितना भी बुरा हो, एक बात मानने की मैं मान लेती हूँ, कुछ लोग बोलते हैं बुरे, चाहे कोई कितना भी बुरा हो, और टाइम पर कोई चीज़ होनी होती है, तीज त्यौहार होता है या कोई, ये तीज त्यौहार पर कोथली बाखली होती है या फिर कोई ऐसा ऐसा सिस्टम हो या कोई चीज़ ऐसी हो, कल मेरे बच्चों की शादी होने लगे तो भले ही उसके मामा रोज़ मेरे घर ना आए, पर कल जब मेरे बच्चों की शादी होगी तो उनको आना पड़ेगा और भात भी देना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ ऐसी होती है जो करनी ज़रूरी होती है। तो ये मत बोलो कि भाई कोथली नहीं आई, झूठ बोली, अपने पास से दिखाई, मैं नहीं अपने पास से कुछ दिखाने वाली हूँ, मैं क्यों झूठा नाम कराऊँ, जो उन्होंने दिया है तो तभी तो बोली उन्होंने मेरे को दिया है। तो बस निगेटिव कमेंट करने वालों से एक बात बोल रही हूँ यार, किसी को गलत सलत मत बोलो, जो सच है वो मैंने आप लोगों से बताया, आप लोग मेरे पे विश्वास करते हो तो मेरी बात पर भी विश्वास करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।